आज कस्बे के थाना परिसर में आगामी पर्व ईद उल अजहा बकरीद को दृष्टिगत रखते हुए सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की गई। आज शाम थाना बानपुर प्रांगण में नायब तहसीलदार मेहरोनी सौरभ सिंह बा थाना अध्यक्ष बानपुर अनुज गंगवार की अध्यक्षता में पीस कमेटी की बैठक की गई, जिसमें आगामी पर्व ईद उल अजहा बकरीद को लेकर सुरक्षा व्यवस्था की गई। त्योहार के दौरान शराब बाजुए जैसे अनैतिक कार्यों के रोकथाम के बारे में कस्बे व क्षेत्र संभ्रांत के लोगों की भूमिका की भी समीक्षा की गई। इस अवसर पर नायब तहसीलदार ने कहा कि हमें त्योहारों पर सभी प्रकार का वैमनस्य त्याग कर प्रेम व सद्भाव फैलाना चाहिए व मानवता के कल्याण हेतु प्रयासरत रहना चाहिए। इसी क्रम में थाना अध्यक्ष बानपुर ने कहा कि सभी लोग शासन प्रशासन की गाइडलाइन के अनुसार ही त्योहार मनाना सुनिश्चित करें व समाज में जागरूकता फैलाने का कार्य करें। अंत में सभी को आगामी पर्व की शुभकामनाएं व इस अवसर पर हाफिज शाहिद रजा, सदर अख्तर पठान, अजीज खां मंसूरी, मंझेले राजा, एडवोकेट फूल सिंह यादव, सलमान खां, अरबाज खां, गंगा सिंह जादौन, केहर राजपूत, राम मिलन पाल, सुंदर अहरवा, निसार खां, कैलगुआ, इब्बू लंबरदार व जाविर खान व बानपुर मीडिया सहित थाना बानपुर पुलिस स्टाफ। बैठक का सफल संचालन साहबेंद्र प्रताप सिंह गहरवार ने किया। बहुत बढ़िया बात कही इन्होंने, क्योंकि ये एक जागरूक व्यक्ति हैं और इनकी इस बात से मुझे इतना अच्छा लगा कि इन्होंने हमारे हम किसी के बताने से पहले इन्होंने ये बात कह दी। तो इतनी जागरूकता किसी के अंदर अगर है तो वो व्यक्ति कभी फेल नहीं होता है। और इनकी आवाज़ में वैसे ही जादू है, इनकी आवाज़ में तो वो जादू है जो तो सभी को सम्मोहित कर देते हैं वैसे ही। और बहुत अच्छा लगा क्योंकि कुर्बानी प्रतिबंधित जो है तो हाथ सबके हाथ है, ऐसा नहीं सभी लोग मन से प्रेम से और सौहार्द और मिलजुल से मिलाते हैं। ये आज के इतिहास नहीं है, सदियों का इतिहास, लेकिन सदियों के इतिहास का जो आपस में सौहार्द रहा है मिलजुल के